हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था ऑप 10 के रिगार्डिंग हम एक वीडियो बनाएंगे, तो वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस क्या है, इसकी टेबल तो पूरी मेंशन है आपके बुक में पेज नंबर 270 पर। ओके, तो हम इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वीडियो, तो ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये टेबल तो आपकी बुक में बिल्कुल ऐसे बनी हुई है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि इसे याद करने का एक तरीका बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो है ये। तो चलिए बताते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक्स के कोऑर्डिनेट्स या ऑक्टेंट्स के साइन क्या क्या हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होता है, ये प्लस का, सेकंड में माइनस का, फिर माइनस का, फिर ये प्लस का, प्लस का, फिर माइनस का। अब ऐसे याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे इसे ना, अगर याद कर लेते तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ी सी परेशानी होती है तो उसके लिए हमें ना, तो देखिए जरा यही पूरी टेबल को हम ट्रिक से बताते हैं आपको कैसे करेंगे। तो देखिए, ये मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक्स के हम बात करें ऑक्टेंट्स, तो पहले में ये होता है प्लस का, फिर ये होता है माइनस का, दो बार माइनस, दो बार प्लस, फिर दो बार माइनस, एक बार प्लस। ऐसे ही अगर वाई का निकालना है तो देखिए वाई का क्या होगा, सीधा दो बार प्लस, दो बार माइनस, दो बार प्लस, दो बार माइनस, ये हो गया। अब एक्स का देखेंगे तो एक्स का क्या होगा, चार ऑक्टेंट में ये प्लस होता है और चार ऑक्टेंट में ये माइनस होता है। तो देखिए जो बुक की टेबल है, अगर आप उसे इस तरह से करते हैं, जैसे आप एग्जाम में करेंगे, क्वेश्चन आया इसका, अगर नहीं समझ में आता है तो आपको ये विद इन अ मिनट आप इसे बना सकते हैं अपने रफ शीट पर या कहीं भी है जहाँ आपको सूटेबल लगता है बनाना, और दीवार या डेस्क पर बनाइएगा, अच्छा नहीं लगता। तो देखिए जो टेबल है, जो समझ में नहीं आ रही होगी किसी किसी को कि यार ये साइन कैसे याद करें, कहाँ माइनस करें, कहाँ प्लस करें, तो आप सिंपल याद रखें जो एक्स का है उसमें स्टार्टिंग और लास्ट में क्या होता है, प्लस का होता है, बीच में दो बार माइनस, फिर प्लस, फिर दो बार माइनस, फिर दो बार माइनस, दो बार प्लस, दो बार माइनस। फिर एक्स का निकाल, वाई का निकालते हैं तो देखिए इसमें प्लस आता है दो बार, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। और जेड का तो बहुत इजी है, स्टार्टिंग के चार होते हैं पॉजिटिव एंड लास्ट होते हैं, लास्ट फोर होते हैं नेगेटिव। तो देखिए कितना इजी तरीका है इसे याद करने का, अगर आप याद करते हैं तो बहुत ही सुटेबल तरीके से आपको ये मार्क्स ऑप्टेन करा सकते हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। ओके, धन्यवाद।